इन दिनों मोनिया को ग्रूम करके राजकुमारी मान्यता बनाने की चल रही है भरपूर कोशिश। इसके लिए ग्रूमिंग क्लासेस का भी अरेंजमेंट किया गया है, लेकिन हमारी मोनिया को बस में करना कोई आसान बात है। चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार। इस चतुर नार का कोई क्या करे। अरे मुनिया जी, ये मास्टर जी आपसे सीखने नहीं, आपको सिखाने आए हैं। एक चतुर नार बड़ी होशियार। आपको राजमहल के कायदे कानूनों का ट्यूशन देने आए हैं। अब लेकिन आप तो जानते ही है ना, हमारी मोनिया तो अच्छों अच्छों को सिखा दे। नमस्ते, मैं हूँ मोनिया और आज मैं मोनिया से मान्यता बनने जा रही हूँ। आपको पता है हमारे गांव के आंगनवाड़ी में जो मास्टरनी आती थी ना, उन्हें आप टीचर दीदी बुलाते थे, इसलिए अब से मैं आपको टीचर दीदी बुलाऊंगी और आपको मास्टर जी। वैसे तो मैंने जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए, जैसे कि गाँव में ट्रैक्टर चलाया। अरे 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 अरे, बेलगाम घोड़े की तरह इनकी जीप तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन इनके नए ग्रूमिंग इंस्ट्रक्टर भी ना कुछ कम नहीं है। अजी मोनिया को काबू करना इन्हें अच्छे से आता है। हम यहाँ एक प्रिंसेस को ग्रूमिंग लेसन देने आए थे, जैसे जैसे कोई ना कोई सब शूट करने लिया। हेलो, हाय हाय हाय, आप लोग आ रहे तो कुछ बताने किसने वाले, नहीं बारात में आए हो क्या? क्या ताना मारा है। इतना ही नहीं, और भी बड़ी तरकीबें हैं इनके पास मुनिया को राजकुमारी मान्यता बनाने के लिए। जो मेरी टीचर है ना, वो तो बहुत ही डरावनी है, पता है। उन्होंने मुझे इतना डांटा और केन लेके खड़ी होती है, केन से मारती है। अगर मैं कुछ भी करूँ तो स्ट्रेट होके बैठने बोलती है। और मुझे ना नाखून चबाने की आदत है, तो उन्होंने मुझे वापस केन से मारा और ना मेरे नाखून ने मेरा मिर्ची लगा दी ताकि मेरे नाखून मेरे मुँह में ना जाए। मिर्ची? आहा, तभी हम सोचे कि ये तीखी तीखी मोनिया आज इतनी सीधी सीधी और मीठी मीठी बातें क्यों कर रही है। देखा मास्टर जी की एक तरकीब का असर। अब मेरे में थोड़े चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि मेरे थोड़े कपड़े चेंज हो गए हैं और मेरी हेयर स्टाइल चेंज हो गई, मैं थोड़े काजल और लिपस्टिक लगा लिए। और मेन बात तो ये है कि अब मेरे बोलने में, और मैं अब सीखूंगी भी ABCD। वैसे क्रेडिट तो मोनिया को भी जाता है, आखिरकार मोनिया ये सब आकाश के लिए ही तो कर रही है। जी हाँ, मोनिया और महारानी के बीच समझौता जो हुआ है तो फिर तो वादा निभाना ही पड़ेगा। मेरे और माता जी के बीच एक सुलह हुई है कि वो आकाश को जेल से निकाल देंगे ना, तो मैं राजकुमारी बनने के लिए तैयार हूँ। जैसे कि माता जी ने आकाश को जेल से निकाल दिया, मैं भी उनकी जो ख्वाहिश पूरी कर दूंगी राजकुमारी बनके। वैसे इन ट्यूशन के साथ साथ अगर मोनिया थोड़े लव ट्यूशन भी ले लेना तो युवराज के साथ इस वैलेंटाइन डे पर इनकी कहानी काफी खूबसूरत बन सकती है। चित्रा शाहपुरकर, मुंबई, आज तक। हमारे तमाम दर्शकों की जिंदगी फूलों की तरह यूं ही खिली रहे, महकती रहे, इसी कामना के साथ आज का ये सफर बस यहीं तक। मिलेंगे कल, तब तक देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। सास बहू और बेटियां के प्रायोजक थे फॉरएवर जू